प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की तारीफ करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए और उसके दिए हुए सारे वरदानों के लिए उसका आभार व्यक्त करने के लिए आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर हमेशा हमेशा बना रहे। मैंने और आपने अपने जीवन में प्रभु के अनेक कार्यों को, अनेक चिन्ह चमत्कारों को, प्रभु के हाथ को कई बार अनुभव किया होगा। इसलिए हमें दिन रात प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु की तारीफ करनी है। प्रभु हमारे साथ हैं और वो आपके साथ हैं। वो आपसे प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। अक्सर मैं सोचा करता हूं, अगर यीशु ना होते तो हमारा क्या होता, या अगर हम यीशु को नहीं जानते या उसको अपने जीवन में अनुभव ना किया होता, किसी ने अगर यीशु के बारे में बताया ना होता, या हमने एक मसीह परिवार में जन्म ना लिया होता, या हम ऐसे होते जिन्होंने कभी यीशु को जाना ही नहीं, तो हमारा क्या होता। जिंदगी तो जीते, दिन भी कटते, शायद अच्छे कटते, लेकिन सुकून ना मिलता, लेकिन अनंत जीवन ना मिलता। प्रभु के द्वारा जो दिखाए गए मार्ग हैं, प्रभु की रहस्यमय जो बातें हैं, जो आनंद है, शायद उससे हम वंचित रहते, शायद स्वर्ग राज्य से भी वंचित रह जाते। बाइबल में लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यीशु पूरी मानव जाति के लिए संसार में आए, अपने प्राणों को दिया। जब हम इस गंदगी में पड़े हुए थे, पापों में पड़े हुए थे, जब हम बुरे थे, जब हम पापी थे, तब मसीह ने अपनी जान देकर हमें अपने बहुमूल्य रक्त की कीमत पर खरीदा और हमें उस पिता से मिलाया, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला, हमारे लिए प्रभु ने रास्ते खोले। बाइबल कहती है कि उसने हमारी दुर्बलताओं और हमारे कष्टों को अपने ऊपर लिया, उसका चेहरा एकदम बिगाड़ दिया गया था, उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसे सताया गया, उसके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया, छोटे बड़े हर व्यक्ति ने जो उस क्रूस की ओर देखता था जहां यीशु टंगे थे, अपमान किया। उसके शिष्य उसे छोड़कर भाग गए, बेसहारा यीशु लंबे समय तक क्रूस पर टंगे रहे और अंत में उन्होंने अपनी जान दी और हमें बचाया। हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें प्रभु की तारीफ करना चाहिए। मैं समझता हूं हम जितना धन्यवाद दें, जितनी तारीफ करें, जितना हम प्रभु की आराधना करें या महिमा करें, कम है। हम उसका आभार कैसे चुकाएं, हम कैसे उस बहुमूल्य रक्त की कीमत अदा करेंगे, क्या देंगे हम प्रभु को, क्या दे सकते हैं जब सब कुछ उसी का है। तो कुछ नहीं, हम केवल धन्यवाद दे सकते हैं, केवल हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, उससे बढ़कर हम कुछ नहीं कर सकते। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, अपनी आंखें बंद रखें, प्रभु की तारीफ करें, स्तुति करें, महिमा करें। धन्यवाद दे प्रभु को आपके जीवन के लिए,
आपके विश्वास के लिए, आपके पापों को, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, हम पर तरस खाने, हमें अपनाने के लिए, हमें फिर से पवित्र जीवन जीने की कृपा देने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी आराधना, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, इस समय हम एक सुंदर गीत गाने वाले हैं। गीत के बोल हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। हमारे साथ इस गीत में शामिल होना और हम मिलकर आनंद मनाएं कि जब से यीशु आया है मेरा जीवन बदल गया है। क्या आपका जीवन बदला है? अगर बदला है तो इस गीत में शामिल होना और हम प्रभु में आनंद मनाएं, प्रभु की स्तुति करें, तारीफ करेंगे। खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने
तो यीशु के आने से क्या होता है, जीवन बदलता है। उम्मीद करता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं और मैंने ये देखा है कि जितने लोगों के जीवन में यीशु आते हैं उन सबका जीवन बदलता है। एक छोटा सा अनुभव काफी है, एक नन्हा सा अनुभव काफी है, यीशु का अनुभव जो जीवन को बदल देता है। उनका एक वचन जीवन बदल देता है। और हमें प्रभु ने कितनी आशीष दी है, हमें प्रभु ने कितनी कृपा दी है। हमें जो इस समय आनंद उमड़ उमड़ कर आ रहा है, जब हम गीत गा रहे तो जो आनंद आ रहा था वो कहां से है आप जानते हैं? वो आनंद क्यों है? क्योंकि आपका और मेरा जीवन यीशु ने बदला है। बोलिए हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु कहते हैं प्रकाशना ग्रंथ में, देखो मैं सब कुछ नया बना देता हूं, देखो मैं सब कुछ नया बना देता हूं।
नया बनाने वाला, जीवन बदलने वाला। कई लोग भरसक कोशिश करते हैं कि वो बदल जाए, मेरा पति बदल जाए, मेरी पत्नी बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाएं, मेरे माता पिता बदल जाएं, मेरा ऑफिस का बॉस बदल जाए, मेरी पड़ोसन बदल जाए, मेरा ड्राइवर बदल जाए, मेरे घर में काम करने वाली बदल जाए, इसका जीवन बदल जाए। आपके कहने या सोचने या करने से नहीं होगा। कौन करेगा? यीशु करेगा। प्रभु जब बदलेगा तब जो है वो ऐसा बदलेगा, ऐसा बदलेगा कि लोग देखकर प्रभु की तारीफ करेंगे। आपके और मेरे कहने से हो सकता है कि कुछ लोग बुरा मानकर जो है वो काम करना छोड़ दें, लेकिन अंदर ही अंदर गालियां देंगे। लेकिन जब यीशु बदलेगा तो उनके मुंह से आशीर्वाद आएगा। अपनी आंखें बंद रखें, सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। उसने हमारे जीवन को कितनी आशीषों से भरा, हम उससे प्यार करें। पेत्रुस को इतनी आशीष देने के बाद जब प्रभु का पुनरुत्थान हुआ, प्रभु ने पूछा पेत्रुस से, पेत्रुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो? डू यू लव मी? क्या आप सचमुच यीशु से प्यार करते हैं? प्रभु को इस समय धन्यवाद दें। प्रभु से कहें, प्रभु तूने मेरा जीवन कितनी आशीषों से भरा है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा है, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। भरा प्रभु मेरा जीवन।
दिल का कोई गीत ना था, मेरे जीवन में तू आया, तू ही मेरी आशा था, हर तरफ तेरी सभी आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इन तमाम लोगों के लिए जो हमारे साथ प्रभु इस समय जुड़कर तेरी आराधना कर रहे थे, इनके जीवन में अपार शांति आशीष उड़ेलना प्रभु, इनके जीवन में बरसाई हुई के एक आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तू महान है, सर्वशक्तिमान दयालु पिता है, इन पर दया करना, तेरा दाहिना हाथ इन्हें संभाले, इनकी रक्षा करे, हर प्रकार के पाप बुराई और प्रभु हर प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करना, जिनके काम नहीं बनते उनके काम प्रभु इस समय बने, और प्रभु इनके मार्ग में आशीष देना, घर से आने और घर में आने पर इन्हें आशीष मिलती रहे, इनके दुश्मनों से इन्हें छुड़ाना प्रभु जी, और इनके विरुद्ध षड्यंत्र जो रचे गए हैं जो जादू टोने और प्रभु तरह तरह के कुछ भी अगर प्रभु तेरे खिलाफ किया गया है, इनके खिलाफ किया गया है, यीशु के नाम पर उसे कैंसिल कर दें, इनको आशीष से भर देना। जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं यीशु के नाम पर इसी समय वे ठीक होने पाएं, स्वतंत्र होने पाएं,
आजाद होने पाए। धन्यवाद यीशु, हमारे साथ रहना, संग संग चलना, इसी तरह से तेरा आनंद हम में बना रहे। इन सारी प्रार्थनाओं को अब्बा हम तेरे पुत्र यीशु के नाम में होके मांग लेते हैं और एक साथ कहते हैं आमीन। गॉड ब्लेस यू, जयसु। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह हमेशा आप पर बना रहे। शांति से इस समय अपने अपने काम पर जाएंगे और प्रभु को साथ रखेंगे।